ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। फिर एक दिन मेरा भी पेपर आया तो अमृतसर से एक भाई ने साड़ियों का काम किया था, तो सिल्क की साड़ियाँ, आर्टिफिशियल सिल्क की। तो उन्होंने जब सेवा शुरू किया, बिजनेस किया, तो बाबा के पास एक गांठ भेज दिया। होता ना पहले हम यज्ञ में भेजें, तो लच्छू दादी थी, संतरी दादी थी, स्टॉक संतरी दादी संभालती थी। तो बाबा ने कहा खोलो, तो हम चार लोग थे, लच्छू दादी, संतरी दादी, बाबा और मैं। तो एक एक साड़ी उठाते जाते थे, बच्ची ये तुम ले लो, तो मैं कहती थी नहीं नहीं, हर साड़ी को नहीं, बाबा हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि बाबा शायद देख रहा है कि इसकी कितनी अभी आसक्ति है कलर कपड़े में या अच्छी अच्छी साड़ियों में। तो मैंने सब साड़ी लेना बोल दिया एक एक करके। तो लास्ट एक बाबा ने बहुत अच्छी सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी और गोल्डन बॉर्डर, 4 इंच का बॉर्डर था, बहुत सुंदर साड़ी, और उसको केवल पूछा नहीं, बच्ची ये ले लो। बाबा ने जैसे गिफ्ट देते ना, दो हाथ में रख के ऐसे फोल्ड की हुई, बच्ची ये लो। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं लूँगी। फिर बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ये तो गुरु का पक्खर है, सतगुरु का। तो पक्खर मना वस्त्र चोला जैसे को नहीं गुरु लोग दे देते हैं। तभी मैंने ना बोला, संतरी दादी ने मुझे आँख दिखाई, कहा तुम बाबा की बात को कैच कर रही हो, बाबा क्या कह रहा है कि सतगुरु का पक्खर है और बच्ची इससे तुम्हें कभी भी वस्त्र की जीवन में कमी नहीं आएगी। जब उन्होंने कहा लो, उसी प्यार से लो, सतगुरु के रूप में बाबा देख रहा है, तुमको वरदान के रूप में दे रहा है, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने भी उसी भावना से लिया कि बाबा जो है परम शिक्षक भी है तो परम सतगुरु भी है, वो मैंने लिया तो सतगुरु का रूप देखा। अब लेने के बाद में बाबा मुझसे पूछते हैं कि बच्ची कहाँ पहनोगी, रंगीन साड़ी कहाँ पहनोगी, यहाँ भी विजिटर्स आते रहते हैं घूमने, वो भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, तो बाहर के विजिटर्स आते हैं, अगर सेंटर में जाओगी तो वहाँ भाई बहन स्टूडेंट के आगे नहीं पहन सकोगी, तो कहाँ पहनोगी। मैंने कहा बाबा फिर कहाँ पहने, तो जो बाबा ने कहा था कि सिर्फ मेरे रूम की सफाई करना और कुछ ना करना, बाबा को मेरे से सेवा लेनी है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो उस समय जो चूल्हा था वो इतना ऊंचा लकड़े का, इतने लोगों का भोजन, बड़ा बड़ा तांबे का पतीला चढ़ता था, तो बड़े बड़े चैला लकड़ियाँ लगाई जाती थी, और एक मटके में पीली मट्टी होती थी और कपड़ा होता था, वो पोता लगाया जाता था चूल्हे को, जो काला हो जाता पूरा प्लेटफॉर्म मिट्टी से पोतते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची एक काम करो, सवेरे अमृत वेले योग के बाद में तुम जाना और कल से चूल्हा पोतना ये साड़ी पहन के। वो चूल्हा भी मेरे इतना ऊंचा, हाथ उठा उठा के पोछना है, तो अब बड़ा मुश्किल हो, साड़ी इतनी कीमती है कि उसको देख करके कसक लग रही है, लेकिन बाबा ने कहा कि रोज़ सवेरे यही साड़ी पहनना और यही पहन के चूल्हा पोतना। इतनी सावधानी से जैसे अर्जुन को मछली की आँख में तीर मारना हो, मेरा फुल अटेंशन कि एक बूंद मिट्टी इसके ऊपर टपक ना जाए चूल्हे वाली। और मैंने इतनी सफाई से काम किया कि मेरी साड़ी में एक दाग नहीं लगा, एक दिन नहीं 3 महीना। उससे मेरी ये प्रैक्टिस हो गई, कितना भी बड़ा किचन भंडारा हजारों का संभाला लेकिन मेरे कपड़े में हल्दी तेल का दाग नहीं लगा। मैंने आज तक कभी एप्रिन पहना नहीं, अभी भी ज़रूरत पड़ती तो भंडारे में सब कर लेती, मेरी साड़ी में दाग नहीं लगता। और हमारी बहनें घुसते पहले चोंगा पहनेंगी, फीता बांधेंगी। तो बाबा ने मतलब इतना ट्रेंड कर दिया कि किसी हालत में किसी कीमत पे कहीं भी हो तो वो एक ही साड़ी अगर हो और कोई विजिटर आ जाए तो पता चला कि खाना बनाने वाली साड़ी से मिल ही नहीं सकते उससे हम, मना इतना बाबा ने ट्रेंड कर दिया, सिखा दिया। तो मेरा काम भी हो गया आगे,
मेरे से बाबा धीरे धीरे काम ले रहे हैं।